और ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने उदास नजर आ रहे हैं? सेनापति वन, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है मुझे वो सरपंच का सीन याद आ जाता है कि वो कितना घोर अपराध मुझसे हो गया। मैं उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूं सरपंच के खेते में दबा हुआ बाल मेरी नींद को चीरते हुए जाता है और मैं सो नहीं पाता हूं। और इसके चलते जब भी मुझे कुछ खुशी का माहौल होता है तब भी मेरे अंदर एक गम सा बना रहता है कि वो मैंने इतना घोर पाप किया उसका पश्चाताप कैसे करूं। ऐसे ही करते करते मेरी आधी जिंदगी निकल चुकी है। मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य अयोध्या का राज्य, इतना बड़ा महल, इतनी जायदाद, धन दौलत, ये सब कुछ होते हुए भी जैसे कि संसार के एक साधारण प्राणी को अपने उत्तर प्राप्ति की आस होती है, वैसे ही मेरे भी हृदय में एक पुत्र प्राप्ति की आस है। इतनी हजारों कोशिशों के बाद भी मुझे अब तक कोई संतान प्राप्त नहीं और मेरी आधी आयु निकल चुकी है और यही चिंता मेरे को सताई जाती है कि इतने बड़े अयोध्या राज्य का मेरे जाने के बाद कोई वंश नहीं होगा, मेरे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, क्या मेरे कुल का यही अंत है? और मेरी मृत्यु के बाद मेरा पुण्यदान करने वाला, मेरे श्राप करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा, यही चिंता मेरे को भीतर ही भीतर खाए जा रही है। मुझे समाधान नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? मैं भीतर ही भीतर बहुत चिंता अनुभव कर रहा हूं। जैसे कि सभी राज्यों को ऋषिगण कोई ना कोई मार्गदर्शन करके उनकी हर प्रॉब्लम का समाधान करते हैं, कृपया आप भी मेरी इस दुविधा को सुनके मेरे को कोई मार्गदर्शन करो सर, ताकि मुझे भी संतान प्राप्ति हो और मेरे इस वंश को आगे बढ़ने का मौका मिले। राजन आ
पुत्रे चिंतित मत हो, आपकी समस्या का हल जरूर होगा। मेरी समस्या का हल कैसे होगा? क्या आप ही इस समस्या का हल कर दोगे क्या? मुझे किसी और किसी के पास जाना पड़ेगा? राजन, आपकी समस्या का हल मैं तो नहीं कर सकता, मगर जान से दूर हिम पर्वत पर श्रृंग ऋषि जी रहते हैं, आपकी समस्या का हल वो जरूर कर देंगे। अगर ऐसा है तो ऋषिवर, मैं शीघ्र ही उनके पास जाना चाहूंगा, किसी भी कीमत में मैं उनसे मिलना चाहूंगा और उनको अपनी दुविधा बताकर इस दुविधा का हल पाना चाहूंगा। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। प्रणाम ऋषिवर। आशीर्वाद। आओ राजन, बताओ कैसे आना हुआ? ऋषिवर, मैं तो ऐसे अयोध्या का राजा हूँ, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं इतने बड़े राज्य का राजा दशरथ हूँ, परंतु सारी दुनिया मेरे पास अपने समाधान के लिए आती है, किंतु आज मैं आपके पास अपनी समस्या को लेकर आया हूँ और वो समस्या ये है कि जैसे कि मैं आधी उम्र इस संसार में बोल चुका हूँ और मेरे को अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला है, जैसे कि आम संसारी को संसार के बीच में रहते हुए संतान सुख की इच्छा होती है, इसी प्रकार मेरे को भी संतान प्राप्ति का सुख लेने की इच्छा हो रही है। यही बात मैंने अपने राज्य के ऋषिवर को बताई, उनको तो मेरा कोई समाधान नहीं कर पाए, किंतु उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्या का हल सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं। देखो राजन, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप स्वयं ही मेरे पास आए हो और आपकी समस्या का समाधान मेरे पास अवश्य है और मैंने आपके लिए एक खीर रखी है। आप अपनी तीनों रानियों को ये खीर दें और आपको जल्दी ही खुशखबरी मिल जाएगी। धन्य हुआ ऋषिवर, आपने मेरी समस्या सुनी राजू और समाधान के लिए मुझे ये खीर इस पात्र में दी। मैं अवश्य ही आपके आशीर्वाद के साथ ये खीर अपनी रानियों में बांट देता हूँ और अगर कुछ खुशखबरी होती है तो मैं आपको सबसे ही सूचित करूंगा। प्रणाम ऋषिवर। ठीक है राजन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
इतनी खुशी की बात देवो पुत्र आज